Hello everyone, welcome to gatelectures.com. So today we have with us Utkarsh Upadhyay sir, and he is BTech from IIIT Delhi in Electronics and Communication. He is qualified GATE 2018 with a very decent score and got selected for MTech in various IITs. So he is here to share his experience with us. Hello sir, welcome to Digimento. So firstly we would like you to introduce yourselves to our students. Hey folks, my name is Utkarsh Upadhyay and I did my BTech in ECE from Indraprastha Institute of Information Technology, Delhi. And I graduated in December 2017, and I have cleared this GATE 2018 examination with a decent score and rank. And I'm planning ahead to, I'm looking forward to do an MTech in one of my favorite branches. Okay. Sir, so when did the idea of doing MTech hit you and when? How did it all start? So that basically popped up in my mind when I was in fourth year, and I really wanted to get into my field, like electronics field, and I just want to explore that, and I just wanted to gain expertise in my field, and that can only be achieved by doing Master of Technology from the premium institutes like IITs. So that's why I decided to do an MTech after. Okay. So we generally see that students start planning and preparing for some post-graduation exam, maybe MBA, maybe MTech, from second or third year itself. So you started quite late in final year. How? Yeah. Why? Basically, ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग शुरुआत से काफी जल्दी decide करते हैं कि उनको आगे क्या pursue करना है. And I think कि वो बहुत जल्दी होता है क्योंकि at that particular time they do not know कि उनको आगे चल के क्या करना है. फिर आगे चल के जब जैसी ऐसी वो थर्ड और फोर्थ ईयर में आते हैं तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार अपने चॉइस को लेकर कि वो आगे क्या करेंगे. सो कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको मैं एग्जाम नहीं लूँगा, दे प्लान टू बेसिकली परज्यू एन एम बी ए फ्रॉम वन ऑफ द प्रीमियर कॉलेजेस, बट वो डिस्ट्रैक्ट हो गए. आगे चल के उन्होंने फिर कि कुछ और ज्वाइन कर लिया. सो ऐसे मुझे नहीं करना था. मैंने नॉर्मली पहले बीटेक की थर्ड तीसरे साल तक, चौथे साल में आके आई डिसाइडेड टू डू मास्टर्स. ओके, सो एक्चुअली दिस इज राइट. मतलब हम लोग भी देखते हैं कि स्टूडेंट्स स्टार्ट तो कर देते हैं प्रिपरेशन, बट व्हाट दे जनरली डू इज सेकेंड ईयर में स्टार्ट की कैट के प्रिपरेशन. फिर रियलाइज हुआ कि बी कॉलेजेस जो है, एमबीए कॉलेजेस जो है, नॉट वेरी मतलब आउट ऑफ देयर अप्रोच है, या कुछ भी इस टाइप का फील हुआ. फिर जैसे जैसे क्योंकि कैट आता है जल्दी थोड़ा अक्टूबर टाइप, तो फील होता है नहीं कर सकते. फिर गेट आता है फरवरी में, तो दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग कि नहीं गेट देंगे, फिर वो भी छोड़ देंगे, फिर बैक भी. तो दिस इज नॉट करेक्ट, एक्चुअली नॉट करेक्ट. आप सेकेंड ईयर में प्रिपरेशन मत स्टार्ट करो, गिव वन ईयर जस्ट टू डिसाइड कि आपको करना क्या है. थर्ड ईयर में स्टार्ट करो, अर्ली फाइनल ईयर में स्टार्ट करो, बट स्टिक टू वन थिंग and give your whole hearted preparation 100% to that preparation, which is actually right and worked out well for you. Worked out well. So at the end you will just find yourself in dilemma and jeopardy. So आपको ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल confusion में हो. इसलिए आपको थोड़ा time दीजिए कि आपको आगे चलके क्या करना है. Then start with full fledged devotion. Right. So how did you plan to start preparing? So कॉलेज के साथ मैं कॉलेज भी कर रहा था साथ, तो इट वाज रियली कम्बरसम फॉर मी टू कोप अप टू टैकल कॉलेज एज वेल एज कोचिंग स्टडीज, बिकॉज विच रैन पैरेलली व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट. सो बेसिकली आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा. उससे आपको हटना नहीं है. आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कॉलेज को कितना प्रेफरेंस देते हैं, फिर आप कोचिंग को स्टडीज को कितना प्रेफरेंस देते हैं. अगर प्रॉपर प्रेफरेंस नहीं देंगे, अगर स्ट्रेटेजिक स्टडी नहीं होगी, तो यू वोंट बी एबल टू प्रोक्योर सक्सेस एट दी एंड. एंड लास्ट में आपको सक्सेस चाहिए, दैट्स वॉट यू आर ऑल एमिंग फॉर. सो बेसिकली मुझे मेरा कॉलेज भी चल रहा था, इसलिए मैं वीकडे बैच नहीं ज्वाइन कर सकता था, इसलिए मैंने वीकेंड बैच ज्वाइन किया. और फिर दैट वाज बेसिकली 8 आवर्स क्लास, सैटरडे संडे क्लास होती थी, 8 घंटे की क्लास होती थी. और फिर उसके घर आने के बाद आई यूज टू रिवाइज द कंसेप्ट्स दैट वर कवर्ड इन दोज 8 आवर्स. और वीकडे का टाइम भी होता था, कभी वीकडे में मुझे कॉलेज का लोड इतना नहीं होता था, तो मैंने उस टाइम को जुडिशियस अच्छी तरह से यूज़ करने के लिए अपने कोचिंग का स्टडीज का पढ़ने का लगाया. लेकिन आपको जो टाइम टेबल बनाया है, यू हैव टू स्टिक टू दैट. अगर फिक्स नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी आगे चलकर. सो मे बी यू मैनेज वेल, बट दिस इज एक्चुअली वेरी टफ. वीकेंड्स में कोचिंग करना,
या वीकडेज में कॉलेज मैनेज करना. यस इट इज वेरी टफ बिकॉज क्योंकि स्टडीज भी होती हैं कॉलेज की, ऊपर से प्रोजेक्ट्स भी होते हैं एंड मिड सेम भी होते हैं, एंड सेमेस्टर भी होते हैं, क्विजेस भी होते हैं, असाइनमेंट्स भी होते हैं. इट्स वेरी वेरी टीडियस. सो इफ यू आर एमिंग फॉर अ ब्राइट फ्यूचर अहेड इन आई लाइक इन पी एस यूज और डूइंग परस्यूइंग एम टेक्स फ्रॉम आई आई टीज टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक आई आई टीज, तो आपको स्टिक करना पड़ेगा. यू हैव टू टैकल देम, यू हैव नो अदर ऑप्शन. सो बेसिकली लाइक आई क्लियर्ड ईएस. सो मेरे साथ क्या था कि जहाँ मेरा कॉलेज था देयर वर नो रिसोर्सेज. सो व्हाट आई दिस यू से दिस एज बेनिफिट और वट एवर, देयर वर नो रिसोर्सेज देयर. तो तब ऑनलाइन कोचिंग्स भी इतने प्रेवलेंट थे नहीं, ऑफलाइन कोचिंग का कोई स्कोप नहीं था. तो आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर सेल्फ स्टडीज बट देयर वर अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज दैट आई फेस्ड. क्योंकि कोई कॉलेजेस में फाइनल ईयर में आप होते हो तो इतना कोई सीनियर से कॉन्टैक्ट नहीं होता कि आप उनसे प्रिपरेशन के लिए हेल्प ले सको. आसपास टीचर्स कॉलेज के बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते नहीं हैं स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. लकीली मे बी यू वर इन दिल्ली सो यू हैड एक्सेस टू रिसोर्सेज. You could do that. Anyway, what were the difficulties that you faced as you started preparing? जैसे मैंने बताया कि कॉलेज के साथ कोप करना वही बड़ा चैलेंज हो जाता है क्योंकि अगर आपको अगले साल ही गेट देना है सो यू हैव टू कोप अप विद द स्टडीज ऑफ द कॉलेज. कॉलेज भी बहुत मतलब काफ़ी प्रेशराइज कर देते हैं कई बार कि असाइनमेंट्स हर दिन या हर हफ्ते एक असाइनमेंट और एक क्विज तो ज़रूर होता ही होता है. डेडलाइंस फिक्स होती हैं एंड यू ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट टू लूज मार्क्स इन द गेट. यू हैव टू परफॉर्म वेल इन द इन योर अकेडमिक्स. आपको अच्छे ग्रेड लाने पड़ते हैं तो वो डिफिकल्टी तो बहुत ज़्यादा आपको फेस करनी पड़ेगी. और ऊपर से आपके यहाँ कोचिंग स्टडीज़ के प्रेशर भी होता है कि आपको वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है. कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो स्टडी आप कर रहे हो कॉलेज में दे डोंट वॉन्ट ओवरलैप विद वॉट यू आर स्टडिंग इन द कोचिंग सेंटर्स. कुछ कभी कभी होता है हेल्प मिल जाती है जो आप कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो वो आपको कॉलेज में भी हेल्प कर देता है. बट दैट डज नॉट हैप. या सिलेबस कई बार डिफरेंट होता है, कभी कभार सेम रहता है बट दे इट हैपेंस वेरी ऑन अ सेल्डम बेसिस. कभी बहुत रेयरली होता है ऐसा कि ओवरलैप करेगा. दे आर बाय द वे दे आर पोल्स अपार्ट. सो आपको दोनों को दिस इज द मेन डिफिकल्टी दैट एवरी स्टूडेंट और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट फेस. लाइक आपको लकली ड्रॉप नहीं करना पड़ा. मुझे लाइक अपनी प्रिपरेशन के लिए आई हैड टू टेक अ ड्रॉप. आई हैड नो अदर चॉइस क्योंकि वहाँ कोई कोचिंग्स थी नहीं बहुत ज़्यादा. प्लस मतलब विदाउट प्रॉपर गाइडेंस आई थिंक इट्स वेरी टफ. इट्स वेरी टफ या एनी कोचिंग विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस विदाउट रिसोर्सेज. इवन इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन लाइक आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ऑन माई ओन इन माई विद अलॉन्ग विद माई कॉलेज. सो आई हैड द सिलेबस प्रिंटेड बट आई कुड नॉट डिफरेंशिएट विच टॉपिक इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम्स. इवन इफ यू गो अलॉन्ग विद द सिलेबस राइट तो आपको यही पता नहीं चलता कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके लिए फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो उतना फिर अलोंग विद कॉलेज मैनेजिंग ऑन योर ओन. इफ यू आर स्टडिंग इन अ ग्रुप मे बी थोड़ा इजी हो जाता है लेकिन बहुत टफ है. देयर अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज. बट स्ट्रेटेजिकली करोगे तो आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं होगी. ऑब्वियस सी बात है. प्रॉपर स्ट्रेटेजी अगर आपके पास है तो यू कैन क्लियर. इवन वी हैव सीन मेनी टॉपर्स दे क्लियर बेस्ड ऑन सेल्फ स्टडी. सो सर आप कुछ पेपर अटेम्प्ट के लिए स्ट्रैटेजी शेयर करना पड़ेंगे. लाइक गेट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. कंप्यूटर पे होता है. अब तो मतलब इट हैज बीन टू सेवरल इयर्स दे हैव कंडक्टेड पेपर लाइक दिस बट इज देयर एनी स्ट्रैटेजी जो पेपर के टाइम दोस थ्री क्रूशियल आवर्स उसमें हेल्प करे स्टूडेंट्स को. सबसे पहला जो है कि आपको गेट कैलकुलेटर वर्चुअल कैलकुलेटर की प्रिपरे मतलब यू शुड बी वेल वर्स विद द गेट वर्चुअल कैलकुलेटर. आपको अच्छे से आना चाहिए कि उसको यूज़ कैसे करना है, उसका एफिशिएंटली यूज़ कैसे करना है. अगर आप उसमें टाइम लगा दोगे इट विल जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम. तो आपको उस पर स्टिक करना है. दूसरा पेपर स्टार्ट होने से पहले जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है जैसे काउंट डाउन स्टार्ट हो जाता है आपको बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आना. सबसे पहले आप पेपर को चेक कर लो कि 1 to 2 minutes डिवोट करो. जस्ट गो थ्रू द पेपर. आपको इससे ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे क्या गए हैं और कितना टाइम लग सकता है. सो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. सेकंड दो मार्क्स मैं आपको बोलता हूँ कि 2 marks वाले क्वेश्चन पहले कर लीजिए जिससे कि आपको आगे चल के मतलब जब पेपर खत्म होने वाला होगा तो हड़बड़ी नहीं होगी कि और टी टेंशन नहीं रहेगा कि अगर 2 marks वाले छोड़ गए तो काफ़ी मार्क्स लूज हो जाएंगे. तो आप उन पर फोकस करिए. दूसरा जो बोलूँगा कि आप न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप वाले क्वेश्चन पर फोकस ज़्यादा करिए क्योंकि वो जल्दी वो टाइम लेते हैं. आई नो दैट टाइम लेते हैं. उनको पहले अटेम्प्ट करिए. उसके बाद जैसे मान लो गलत हो भी जाता है तो वो दे डू नॉट कैरी ए नेगेटिव मार्क्स. क्योंकि अगर ऑप्शन वाले में गलत हो गया दे कैरी 1.3 0.33 और 0.6 इज नेगेटिव मार्क्स विच मे कॉस्ट यू अ लॉट इन द एग्जामिनेशन. दूसरा है कि अगर टाइम प्रेशर की वजह से आप हड़बड़ी में आ जाते हैं तो उसको ओवरकम करने के लिए स्ट्रेटेजी है.
उसके बाद आप 1 मार्क वाले क्वेश्चन करिए। 1 मार्क वाले क्वेश्चन लास्ट में इजी रहते हैं करने, क्योंकि आप में उतनी आपके अंदर उतनी टेंशन नहीं होती कि ये छूट जाएगा तो आपके मार्क्स काफ़ी लूज हो जाएंगे। लास्ट में आके आप वो क्वेश्चन करिए जो आपने नहीं किए और जिसमें आपको डिफिकल्टी फेस हुई, और वो जो आपने बुक मार्क करे हैं कि उसको आप रिव्यू करेंगे बाद में, उस क्वेश्चन उन क्वेश्चंस को बाद में करिए। गिव देम टाइम, गिव देम लास्ट में टाइम दीजिए उनको, फिर उसको सॉल्व करिए। ऐसे पेपर सॉल्व करिए जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। दूसरा यह है कि जो टाइम जो वेस्ट होता है वो आपका रफ शीट्स में भी वेस्ट होता है। जो आपको गेट में एक पैड दिया जाता है रफ वर्क करने के लिए, वो कुछ मतलब पोर्ट्रेट लैंडस्केप टाइप की होती है, तो आप उसको वर्टिकली सॉल्व ना करें क्योंकि उसको पेज पलटने में टाइम लगता है, जस्ट जैसे अटर वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आप उसको हॉरिजॉन्टली और लैंडस्केप जैसे मोड में आप उसको सॉल्व करिए, पेपर्स पलटते जाइए, सॉल्व करते जाइए, उससे काफ़ी आपका टाइम बचेगा। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रेटेजी। और उसको टाइम को अच्छी टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकें उनको सॉल्व कीजिए। जो आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसको इस्तेमाल मत कीजिए, गेट कैलकुलेटर जो आपके पास अवेलेबल है उसको इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आप एफिशिएंटली उस गेट कैलकुलेटर को यूज़ कर पाएंगे। सो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी टू फॉर अटेम्प्टिंग द गेट एग्जामिनेशन। एंड व्हिच सेक्शन वुड यू प्रेफर टू सॉल्व फर्स्ट? मतलब एक एप्टीट्यूड और इंग्लिश वाला सेक्शन आई गेस रहता है, और एक टेक्निकल क्वेश्चन। हाँ, एप्टीट्यूड और इंग्लिश सेक्शन इज अ बिट इजी एज कम्पेयर टू टेक्निकल सेक्शन। सो मैं बोलूंगा कि आप टेक्निकल सेक्शन पहले सॉल्व करिए। वैन यू आर डन विद द टेक्निकल सेक्शन, तो आप में दिमाग में रिलीफ रहेगी, हाँ बस 10 क्वेश्चन ही बचे करने के लिए, एंड दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, एप्टीट्यूड अगर स्ट्रांग है, इंग्लिश स्ट्रांग है और रीजनिंग स्ट्रांग है, तो यू कैन ईजली हाँ, क्योंकि कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, शुरुआत में एप्टीट्यूड में बहुत टाइम लगा देते हैं, तो मेरे टेक्निकल पार्ट में क्वेश्चन छूट जाते हैं। फर्स्ट डू द टेक्निकल पोर्शन एंड देन हॉप ऑन टू द जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन होते हैं, दे कैन ईजली बी डन इन, इफ यू नो वेरी वेल, दे कैन ईजली डन इन 10 to 15 minutes। एक्चुअली स्ट्रैटेजी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। लाइक बच्चे पढ़ते अच्छे से हैं, रिवीजन स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग रखते हैं, लेकिन वो 3 आवर्स जो क्रूशियल आवर्स हैं जो एक्चुअल जब पेपर का है, वो बहुत अच्छे से प्लान ना करने की वजह से भी पीपल लैक इन रिजल्ट्स। लाइक आई लाइक टू ऐड, जैसे ESE जो है वो ऑफलाइन पेपर है, तो उसमें वो दैट इज अ पेन एंड पेपर टेस्ट, तो उसमें स्ट्रैटेजी कम्प्लीटली डिफरेंट रहती है। लाइक स्ट्रैटेजी दैट आई फॉलोड वाज दैट वर्कड आउट वेल फॉर मी, कि जैसे कुछ बच्चे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, पहले पूरा पेपर देल सॉल्व, पूरे सारे आंसर्स निकाल के देन देल गो फॉर फिलिंग द बबल्स इन दैट OMR शीट। दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी, क्योंकि एंड में हड़बड़ी में क्या होता है, कुछ और लग जाता है, कुछ और मांग हो जाता है, यू फिल इन रॉन्ग आंसर्स, प्लस पेन से अटेम्प्ट करना होता है, तो यू फिल इन रॉन्ग आंसर्स, तो बहुत वो गड़बड़ करता है एंड में। इफ यू एवर सी ना, आप अपने मार्क्स लगाओगे, जब एक्चुअल मार्क्स आते हैं, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस, तो बच्चों को समझ नहीं आता कि हमने इतना अटेम्प्ट किया, इतना सही किया, फिर भी कम मार्क्स कैसे आए, वो आपको पता नहीं चलता। दैट इज बिकॉज यू फिल्ड OMR बहुत जल्दबाजी में। देन अदर स्ट्रैटेजी दैट स्टूडेंट फॉलो इज, एज सून एज दे सॉल्व वन क्वेश्चन, दे गोइंग टू फिल OMR शीट, तो दैट ऑल्सो वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आप हर बार एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर OMR शीट रखोगे, उसमें बार बार फिल करोगे। तो ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी इज फिल द OMR शीट पेज वाइज। 2 लीफ के क्वेश्चन होते हैं, ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चन होते हैं दोनों लीव्स पे मिला के, आपको क्वेश्चन सॉल्व करो बिफोर यू टर्न द लीफ ऑफ पेपर दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चन पे जाने के लिए, तो उन 10-12 क्वेश्चन का OMR फिल कर दो, फिर अगेन यू टर्न द पेपर, यू सॉल्व 10-12 एंड फिल विद पेन ओनली, जिनके लिए आप श्योर हो कि यही आंसर है, आप पेन से फिल करो। जिनके लिए आप लाइक 60-70% श्योर हो या 2 ऑप्शंस में आपको डाउट है, उनके लिए आप 2 बबल्स या जो भी है वो पेंसिल से फिल कर दो। मतलब वो क्वेश्चंस हैं दैट यू नीड टू लुक बैक, तो आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं ढूंढने पड़ेंगे, लुकिंग एट द OMR शीट इटसेल्फ कि ये पेंसिल से फिल्ड है, यू कैन कम बैक टू दोज क्वेश्चंस इन द लास्ट 20 मिनट्स। जिनके लिए आप बिल्कुल ही श्योर नहीं हो, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, तो यू लीव दोज क्वेश्चंस, उन्हें ना पेन से फिल कीजिए ना पेंसिल से फिल कीजिए। सो दिस वुड बी अ नाइस स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट इन ESE पेपर, क्योंकि ESE में क्या है, आपके पास OMR शीट अलग से होती है, तो उसमें आपने जो पेन से फिल कर दिए, दैट मींस आप कंफर्म थे, आपको आंसर उसके पक्का पता थे, आपने फिल कर दिए इन फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। जो पेंसिल से है दैट यू कीप फॉर लास्ट 10-20 मिनट्स। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं दैट यू सी की दे आर गोइंग टू टेक टाइम,
बट यू आर गोइंग टू गेट अ डेफिनेट आंसर तो यू कम बैक टू दोज क्वेश्चंस लास्ट में या फिर ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको दो ऑप्शंस में डाउट है तो उसमें आपको रिस्क लेना है अगर अकॉर्डिंग टू कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर दिए क्योंकि ईएससी में क्या है ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ इक्वल वेटेज सो और इक्वल नेगेटिव मार्किंग उसमें गेट जैसा सिस्टम है नहीं तो उसमें आप लास्ट में वो 10-20 मिनट्स रखिए उन क्वेश्चंस के लिए सो एक्चुअली स्ट्रैटेजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ईएससी में ये स्ट्रैटेजी वर्क्स आउट वेल मेंस में क्या है क्यू कैप दे हैव इंट्रोड्यूस क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट सो यू हैव अ फिक्स्ड स्पेस for answer writing they have allotted one answer sheet for one question if half an answer sheet so usi mein aapko complete karna hai if you attempted wrong your space is gone you cannot attempt that question again so you have to be very careful then and plus selection of questions in mains is very appropriate should be very appropriate very important because in each question they're going to give you some options to attempt so that choice plays a very important role ki kahan aap maximum score kar sakte hain तो उसके लिए अगेन भाई 5-10 मिनट्स आप दीजिए शुरुआत में जस्ट टू सेलेक्ट द क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट आफ्टर यू हैव डन विद द सिलेक्शन देन यू स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ईएससी आल्सो राइट सो वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एनीवे सो व्हाट वाज योर